हेलो फ्रेंड्स, दादा दादी की किचन में आपका स्वागत है। आप मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। मैंने इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता। इसे मैं गैस पे ना भूनूंगी ना उबालूंगी। देखिए, एक नए तरीके से हम भरता बनाएंगे और स्मोकी फ्लेवर में। बैंगन के भरते के लिए मुझे चाहिए ये एक बैंगन, इतना बड़ा एक बैंगन मैंने लिया है। इसके लिए मुझे चाहिए एक प्याज बड़ा, एक बड़ा टमाटर, दो हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, चार कली लहसुन, थोड़ा सा धनिया, ये नमक और ये थोड़ी सी हींग, ये देगी मिर्च, ये मिट्टी की टिकली जिसका कि मैं छौंक लगाऊंगी। ये कुम्हार की दुकान पे आसानी से मिल जाती है, जहां पर दिए सुराही वगैरह मिलता है। और सरसों का तेल, थोड़ा सा देसी घी। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैंगन को तैयार कर लेते हैं भरते के लिए। ये देखिए, मैंने बैंगन तैयार कर लेती हूँ। पहले इसके लिए मैंने ये फ्राई पैन रखा है और गैस को जला के मैंने उसको धीमा कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, एक चम्मच। और बैंगन को ऐसे हम दो पीस में काट लेंगे। इससे इसमें कीड़ा भी पता चल जाता है, अगर कीड़ा होगा तो पता चले। इसको हम दो ऐसे चीरे लगाएंगे दोनों बैंगन के टुकड़ों में, और इसको खोल के देखेंगे कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। ये बिल्कुल साफ है बैंगन। अब इसके अंदर हम ये लहसुन की कली डाल देंगे दोनों साइड में, और इसको हम इसके ऊपर रखकर सेकेंगे। ऐसे ही मैं दूसरा पीस भी तैयार कर लेती हूँ। बैंगन मेरा पूरा साफ है, इसको भी मैं इसमें रख दूंगी और इसको हम ढक देंगे। ये मेरा बैंगन भरते के लिए तैयार हो रहा है। गैस को धीमा कर देंगे, इसमें 3-4 मिनट लगेंगे, तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी करते हैं। अब हम प्याज को छोटा छोटा काट लेंगे, बहुत बारीक नहीं काटना है, बस इस तरीके से प्याज को हम काट लेते हैं छोटा छोटा। ऐसे ही हम टमाटर को भी छोटा छोटा काट लेंगे, ये हरी मिर्च भी छोटी छोटी काट लेंगे और अदरक भी। ये देखिए, बैंगन मेरे भुन गए हैं। इसको हम थोड़ा सा दबा के देखते हैं। इसको मैंने पलट दिया था 2 मिनट बाद, अभी एक बार फिर पलट देते हैं इसको। इसको मैं दूसरी गैस पे रख देती हूँ और इस तरफ हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसको मैंने दूसरी गैस पे पलट दिया है, रख दिया है। जब तक ये होंगे, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, करीब 1 बड़ा चम्मच। जब तक ये गर्म हो रहा है, ये देखिए मैंने प्याज को छोटा छोटा काट लिया है, टमाटर भी काट लिए हैं, ये हरी मिर्च और अदरक और ये धनिया गार्निशिंग के लिए। ये देखिए, तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले टमाटर डालेंगे। इन सब चीज़ों को हमको छोटा छोटा ही काटना है, इसको हमको ग्राइंड नहीं करना है, बारीक नहीं पीसना है। टमाटर थोड़ा सा गल जाएगा, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। ये देखिए, टमाटर गल चुके हैं, ये मेरे बैंगन भी तैयार हो गए हैं। हम इसको बंद कर देते हैं, ये अभी इसी गर्मी में थोड़ा सा और होएंगे, बर्तन गर्म है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज, अदरक और हरी मिर्च। प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस इसको हम थोड़ा सा ही भूनेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे,
थोड़ी सी देगी मिर्च, बस इसमें और कोई मसाला नहीं डलेगा। ज़्यादा मसाला डालने से इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है भरते का। ये देखिए मेरा मसाला तो तैयार हो गया है। अब हम बैंगन को देख लेते हैं, ये गैस हम बंद कर देते हैं। ये देखिए बैंगन तैयार हो गए हैं। अब हम इनको इसमें से, बैंगन बहुत गर्म है, इसको थोड़ा कपड़े से पकड़ के ये सब हम इसमें से निकाल लें। बड़े आराम से निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं होती। इसका छिलका अलग हो गया। ये थोड़ा सा, ये देखिए बैंगन का मैंने ये गूदा निकाल लिया है, इसमें से भी ऐसे ही निकाल लूंगी। ये थोड़ा छिलका है, बाद में इसको अलग करेंगे। ये देखिए बहुत सॉफ्ट है बैंगन, आराम से निकल गया है। तो आप थोड़ा ठंडा करके निकालें, और जल्दी निकलेगा। ये गर्म की वजह से टूट रहा है बैंगन। देखिए इसका छिलका हम अलग कर देंगे। अब हम इसको मैशर से मैश कर लेंगे। इस तरह से लहसुन डालने से बैंगन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लहसुन का। गैस जला लेते हैं। देखिए इसमें प्याज खड़ा खड़ा ही रहना चाहिए, आप प्याज थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम ये बैंगन को डाल देंगे जो हमने मैश किया था। अब इसको हम एक दो मिनट तक भूनेंगे जिससे कि ये सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। तैयार हो गया। अब हम इसको उतार के एक साइड में रख देते हैं और ये टिकली को हम इसके ऊपर एकदम लाल होने तक चिमटे से गरम करेंगे, जब तक ये पूरी लाल हो जाए एकदम से। इसी का छौंक लगेगा भरते में। ये टिकली मेरी पूरी लाल हो गई है। अब हम भरते के बीच में थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे और इस टिकली को हम गैस बंद कर देते हैं। ये टिकली हम इसके बीच में रखेंगे, इसके ऊपर ये थोड़ी सी हींग डालेंगे और थोड़ा सा देसी घी। ये डाल के अब हम इसको एकदम बंद कर देंगे। 5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए ये जो टिकली है इसको हम बीच में रख देंगे और इसके ऊपर से ये है भरता हम सर्व कर देंगे। अगर आपको टिकली ना मिले तो आप कच्चा कोयला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चे कोयले को ऐसे ही गैस पे जला लें और उसके ऊपर हींग बीच में रख के ऐसे ही हींग का छौंक लगाएं। आप चाहे सरसों के तेल में बनाएं या देसी घी में बनाएं, लेकिन छौंक जो है वो आप देसी घी का ही लगाएंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसको ढककर ही रखना है जिससे कि इसका फ्लेवर इसके अंदर रहे। देखिए कितना बढ़िया भरता बना है। आप सब जरूर बनाएं और मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर
और लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।